राजा हुमन एनजीओ द्वारा शिमला के गंज बाजार स्थित सनातन धर्म विद्यालय में तीज का त्यौहार मनाया गया। तीज का त्यौहार श्रावण मास की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना व परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती है। वहीं कुंवारी लड़कियां मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती है। राजा हुमन एनजीओ द्वारा कोरोना के मानकों का पालन करते हुए तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस कार्यक्रम में महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े और हार श्रृंगार करके दिखी। एनजीओ की अध्यक्षा संगीता सूद ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से कोई भी त्यौहार अच्छी तरह से नहीं मनाया गया, इसलिए एनजीओ ने तीज का त्यौहार मनाया। उन्होंने कहा कि पार्वती माता ने शिव की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा था और यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा है। कोरोना के बाद लगा था कि थोड़ा सा एंजॉय भी किया जाए और एक त्यौहार भी मनाया जाए, तो इसलिए हमने तीज का त्यौहार मनाया है। व्रत तो 9 तारीख का है जी तीज का, पर हमने उससे पहले ही मतलब फंक्शन मनाया है कि उस दिन भी व्रत होगा तो कोई फंक्शन नहीं मना पाएंगे, कि आयु लंबी हो। अभी आगे जा और बढ़ के निकल रही हैं, उनको संस्कृत का है, वो व्रत भी रख रही हैं और पुराने जो रिवाज है उनको अडॉप्ट कर रही हैं। त्यौहार मनाएंगे, उसमें हम सुहागी वगैरह बांट रही हैं और जो कोरोना से ठीक होकर आए हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे के और गिफ्ट दे के कर रहे हैं। नृत्य कार्यक्रम भी होगा, लेडीज संगीत होगा और पहाड़ी गाना भी होगा और सब अपना इंजॉय करेंगी और उसके बाद खाना वगैरह करके फारिग हो जाएगा जी। ये व्रत इसीलिए होता है कि पार्वती ने भी किया था और ये हमारी महिलाएं भी कर रही हैं और हमारा ये विश्वास है कि जो पति हैं उनकी लंबी उम्र होगी और अगले जन्म के लिए भी वही पति मिलेंगे। 7 जन्म के लिए वही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।